जनजातीय सुरक्षा मंच मध्य प्रदेश डिलिस्टिंग को लेकर लगातार रैली कर रहा है और इसी कड़ी में इस रविवार को इंदौर में रैली का आयोजन किया गया। आयोजकों ने यह बताया है कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर अब जनजातीय समुदाय के लोग आगे आ रहे हैं और धर्माधारित हो चुके और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर करने की मांग को मजबूती से उठा रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्माधारित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग की है। इस मांग को लेकर रविवार को इंदौर के लालबाग पैलेस परिसर से रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत भी की और जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों का ये कहना है कि जनजाति समुदाय के जिन लोगों ने अपना मूल धर्म और संस्कृति का त्याग कर विदेशी धर्म और संस्कृति को अपना लिया है, वे जनजाति को संविधान प्रदत्त लाभ तो उठा ही रहे हैं और स्वयं को अल्पसंख्यक बताकर उससे जुड़ी सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। इससे मूल जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उनका हक मारा जा रहा है। पदाधिकारियों के मुताबिक 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची जारी की थी। इन सूचियों के आधार पर ही इन वर्गों के लिए सरकारों ने हितकारी प्रावधान लागू किए हैं। इसमें विसंगति यह है कि अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति की सूची में धर्मांतरित लोगों को शामिल नहीं किया गया है, पर अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची से धर्मांतरितों को बाहर नहीं रखा गया और इसके चलते धर्मांतरित लोग बरसों से दोहरी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों का ये कहना है कि उनका संगठन धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की अपनी मांग को लेकर सड़क से संसद तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा। यह कार्यक्रम जनजाति सुरक्षा मंच प्रदेश और देश में पूरी रैली के माध्यम से मंच के माध्यम से कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से आज 8 मई 2022 लालबाग पैलेस पर यहां पर हम भी जनजाति विकास मंच सुरक्षा मंच के तहत जो हमें संविधान ने आरक्षण का जो लाभ दिया है वह हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारे तीज त्यौहार और हमारे पुरखों के आधार पर हमें भारतीय संविधान ने 342 की अनुसूची में आरक्षण का लाभ दिया गया, जिसके तहत हमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए ये आरक्षण का लाभ दिया गया। लेकिन जो धर्मांतरित जनजाति जिसमें मुख्यतः ईसाई और मुस्लिम धर्म है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज को छोड़कर अन्य धर्म अपना लिया और ये जो हमारा आरक्षण का 80% लाभ वो ले रहे हैं, जो केवल 15% है और 85% का लाभ रहे, क्यों न यह हमारी प्रकृति को छोड़ चुके हैं, इसे हमारी अनुसूचित 342 से इसे डिलीट किया जाए। इसके तहत हम इंदौर लालबाग पैलेस पर मंचीय कार्यक्रम किया और मंचीय कार्यक्रम करने के साथ ही यहां से हम एक भव्य रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय जाएंगे और कलेक्टर महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन हम सौंपेंगे। मैं प्रोफेसर मदन सिंह वासकेल, इसके साथ मेरे साथ में हैं जनजाति सुरक्षा मंच संयोजक मनीष जी ठाकुर, जनजाति विकास मंच के श्री